तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गेमर नित्य पे। और आज हमने मैच करवाया है भाई उसोस के साथ, टीम उसोस है भाई। सामने है टीम वॉरियर यानी के शेमस और ड्रू मैकंटायर। तो ये मैच मैंने इसलिए करवाया मैं क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उसोस ने अपना जो टाइटल डिफेंड किया था भाई, वो भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने, और ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशेट को हरा के इन्होंने अपने टाइटल को बचा लिया। तो मुझे हुआ कि यार को दोनों में से इकट्ठे तो हो ही गए हैं, अभी कौन सी टीम है जो इनके सामने इतनी ज़्यादा खतरनाक रहेगी भाई। और मुझे ये टीम नज़र आई भाई, ड्रू मैकंटायर और शेमस दोनों ही खतरनाक है भाई। दोनों के फिनिशर लगभग सेम ही है और दोनों अच्छे दोस्त भी है भाई। तो अभी देखते हैं क्या ये उसोस को हरा पाएंगे भाई। फिलहाल तो रिवर्स कर दिया भाई ड्रू मैकंटायर ने, बहुत बढ़िया सा एक उसोस स्प्लैश तो पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा इन्होंने रिवर्स कर दिया भाई। और अभी आपको जल्दी ही क्लेम और भी देखने को मिलेगा क्योंकि बड़ी तेजी से लगाते हैं भाई ये लोग, तैयारी कर ही ली मुझे लगता है। मुझे लगता है जैसे ही मैं कहता हूँ यार ये सुन लेते हैं, ये क्या हो गया भाई, ये क्या क्लेम और लगाते लगाते चूक गए, थोड़ा सा रुक गए, पता नहीं क्यों मुझे लगा था। ओ ये क्या भाई, तो वहां पर रुके और यहां पर सामने से क्लेम और चिपका दिया भाई जिमी उसो को। नहीं, एक एक ही फिनिशर है भाई आपके पास, मैंने जानबूझ के एक एक ही दिया भाई, अगर तीन तीन दे देता तो मतलब मिनटों में गेम खत्म, काम हो जाता बड़ी जल्दी, इसीलिए एक एक फिनिशर है कि थोड़ा सा गेम लंबा चलना चाहिए ना यार, गेम में मजा तो आए कम से कम, देखे तो हम कौन जीतता है। चलो कवर ले लिया भाई ये, लेके जा रहे हैं अपने दोस्त के पास ड्रू मैकंटायर के पास। टैग देने की तैयारी थी मुझे लगता है, उसो समझ गए थे इस चीज को कि टैग होगा तो मेरी श्यामत आने वाली है भाई डबल टीम पे, तो इसीलिए जिमी ने भाई ये बचा लिया, टैग होने नहीं दिया। और यहाँ पर शेमस का रिवर्स, तो शेमस की वापसी, क्या बात है, ड्रू मैकंटायर को फिर से बुलाया भाई। शेमस को रहना चाहिए था अंदर क्योंकि फिनिशर शेमस के पास तो है, ड्रू मैकंटायर के पास कुछ है नहीं। चलो कोई बात नहीं, टैग कर दिया, फिर भी हालत थोड़ी सी खराब जिमी उसो की क्योंकि फिनिशर पड़ा था भाई उसके बाद, जो थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिला भाई बॉडी को जिमी उसो की। और ये डीडीटी क्या बात है, ये डीडीटी बड़ी जबरदस्त मारते हैं यार। चलो फिलहाल तो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं भाई जिमी, कवर किया कोई फायदा नहीं होने वाला यार। अभी थोड़ा ड्रू मैकंटायर को भी डैमेज पड़ तो गया है, लेकिन अभी उतना नहीं है कि किकआउट ना कर सके यार। ड्रू मैकंटायर खतरनाक रेसलर है भाई। ओ ओ ये बात, स्पाइन बस्टर उसोस यार खेलने में जबरदस्त है, यहां पर भी और ओरिजिनल भी। टैग मांग रहे, अरे यार टैग क्यों देने दिया भाई, जे यहां पर कोई कार्ड ना कर दे, सुपरमैन पंच, ओ तेरी भाई ये क्या कांड था, ये तो मजा ही आ गया देखिए यार। अरे भाई जे ने अपने भाई का यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का सुपरमैन पंच यूज किया, मजा आ गया भाई देख के। अभी किक होगी, हाँ लग ही रहा था वही हुआ, रिवर्स कर दिया मुझे लगता है, नहीं रिवर्स नहीं किया भाई, कहाँ लेके जा रहा भाई। और ये भाई उठा उठा के कुछ समझ नहीं रहा यार, ये तो जे उसो को गोद में उठा के लेके जा रहे हैं भाई शेमस। तो शेमस के पास अभी भी फिनिशर है और जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा, बड़ी जल्दी कवर कर रहे हैं, नहीं अभी कोई फायदा नहीं, तो एक काउंट होते ही सिंगल काउंट पे ही किक आउट कर दिया भाई। और ये जे की थोड़ी सी हालत खराब करने की तैयारी है भाई, क्योंकि ड्रू मैकंटायर को पता है जितना डैमेज होगा जल्दी उतना ही काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। और ये पावर बूम, वाह क्या खतरनाक था भाई। अभी फिनिशर है नहीं, ओ भाई लैग ड्रॉप, वो भी रिंग के ऊपर से, किक आउट मुझे तो लगता है हो जाएगा, ये भी अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि किक आउट ना हो सके। फिनिशर ड्रू मैकंटायर और शेमस दोनों के पास है अभी, तो उसोस के पास अभी भी फिनिशर नहीं है, हालत दोनों की थोड़ी थोड़ी खराब है भाई, ज़्यादा खराब ना हो जाए बस, क्योंकि ये टीम बहुत खतरनाक है भाई। सामने उसोस तो है ही है, लेकिन शेमस और ड्रू मैकंटायर भी बहुत जबरदस्त टीम है भाई, ये सिंगल सिंगल में इतने खतरनाक है भाई, टीम में तो कितने खतरनाक होंगे। और मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है भाई उसोस की, क्योंकि कहीं काम खराब ना हो जाए भाई उसोस का।
ओ तेरी, ये ले भाई। भाई वो सुपरमैन पंच जो दिया था ना यार जेउस, उसने मजा आ गया उसको देख के भाई। और अगर आप फिनिशर किसी को पड़ा ना भाई, तो हालत खराब होने वाली है जिसको भी फिनिशर पड़ेगा। फिर से पावर बॉम्ब, ओ हो, गंदे वाला टैग नहीं भाई, फिनिशर क्लेमोर की तैयारी। क्या ये रिवर्स नहीं हुआ? मुझे लगा था क्या ये रिवर्स होगा, नहीं हुआ भाई, रिवर्स नहीं हुआ। बचाने के लिए कोई आ रहा है कि काउंटर, अरे लो भाई ये क्या, बड़ी जल्दी घुटने टेक दिए भाई उसोस ब्रदर ने। इतनी जल्दी की तो उम्मीद नहीं थी यार, पर ये मुझे पता था कि ये दोनों बहुत खतरनाक है भाई, और इतनी जल्दी उसोस हार जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। चलो फिर भी जो भी है भाई, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई, और अपना प्यारा सा कमेंट करके सजेशन जरूर दीजिएगा। मैच कोई खास रहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई।